Hello everybody and welcome to the channel. So this reading is going to be your bonus reading for all the Manisha fans for the support they had shown in their last Manisha video. तो ये वाला रीडिंग आपको बताएगा क्विकली कि आने वाले एक महीने में व्हाट एनर्जी हाउ मनीषाज करियर इज गोइंग टू बी. टेन ऑफ सोर्ड से शायद वो बाहर आएगी. आई एम नॉट श्योर इफ शी इज गोइंग थ्रू टेन ऑफ सोर्ड बट या कुछ इसी तरह की एनर्जी उसके आई थिंक मंथली गाइडेंस में है जहां पे शायद शी इज वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट. सेवन ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द लवर्स इन रिवर्स एंड द जस्टिस इन रिवर्स. और यहां पे है हैंग्ड मैन से बाहर निकलने की एनर्जी है. तो कैसा जा रहा है उसका करियर आने वाले एक महीने में, हाउ थिंग्स विल बी फॉर हर. मनीषा करियर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द लवर्स इन रिवर्स एंड द जस्टिस इन रिवर्स है. Manisha's career in the coming 1 month, dear angels, can we please know? Confidence mein aana padega. Surrender your need to be right all the time, ye bhi waise hai. Aur dekho yahan pe agar aap dekhiye ye is card ka message kya ho gaya uske liye ki surrender to the magic of who you are. तो क्या हो रहा है कि मनीषा की अपनी एनर्जी जो है, वाइब्रेशन जो है लो हो रही है. जब हमारा अपना वाइब्रेशन लो हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. हमारा अपना कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, हमारा अपना मैजिक खत्म हो रहा है. एंड दिस इज नॉट न्यू. अगर आप मनीषा का आपने ईयरली गाइडेंस देखा है तो हमने वहां पे वही बात बताई थी आपको कि मनीषा विल गो थ्रू. मनीषा का जिस तरह का मजिशियन की रिवर्स एनर्जी में वो पूरे साल है, तो समटाइम्स शी विल बी गोइंग अप, समटाइम्स शी विल बी गोइंग डाउन. तो शी विल बी कीप, शी विल हैव टू, दिस होल ईयर शी इज स्ट्रगलिंग विथ यू नो समटाइम्स रियली बींग वेरी हाई विथ हर कॉन्फिडेंस, समटाइम्स हर उसका कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है. तो फिलहाल यहां पर उसे यही बोला जा रहा है कि अपनी मैजिक पे बिलीव करो. यहाँ पे हम देख सकते हैं शायद तो कोई बैगेज कैरी हो रहा है. यहाँ पे चीजें शायद इन द विंग्स हैं. वी ऑल हैव मैजिक इन अस इवन इन द मंडेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. इसका मतलब है कि हमारे में कॉन्फिडेंस और मैजिक उस समय भी रहता है जब चीजें हमारे लाइफ में सही से नहीं चल रही हैं, मंडेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. रिमेंबर दैट यू आर अ मैजिकल बीइंग विद अ uniqueness and worth that comes from just being you. यानी कि अपने आप पे विश्वास रखो, अपना आत्मविश्वास कम मत करिए. और हम करियर की बात कर रहे हैं और करियर में आत्मविश्वास, हमारा मैजिक, बिलीव इन आवर सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर करियर. क्योंकि अगर हमें कोई लेगा तो वो हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे करिश्मा, हमारे मैजिक, हमारे यूनिकनेस के लिए ही तो कोई हमें साइन करेगा या जॉब देगा या कुछ भी है ना. इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल. तो उसको अपने आप पे डाउट फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं करना चाहिए, जो कि शायद वो कर सकती है काफी. क्योंकि हर चीज फिर देखो हमारे सी एज वी से नो एवरीथिंग इन द विदाउट मैनिफेस्ट फ्रॉम योर विद इन. पर अगर हम अंदर में डाउट कर रहे हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, कॉन्फिडेंस कम हुआ पड़ा है, तो ना तो हम सही डिसीजंस ले पाएंगे, ना तो हम सही पार्टनरशिप कर पाएंगे. और फिर जब हम सही डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं, पार्टनरशिप नहीं कर पा रहे हैं, आई मीन मोस्टली सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं,
क्योंकि हमारा लो वाइब्रेशन है, हम फियर से डिसीजन लेंगे. तो जब हम सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, सही पार्टनरशिप नहीं करेंगे, तो हमें जस्टिस भी कहाँ से मिल पाएगा? तो इन सारी चीजों का स्रोत कहाँ से है? वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, वर्क विद इन, वर्क ऑन एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज यू आर. जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप अपने आप को हील करते हैं, आपकी एनर्जी हल्की होती है, आप एक्सपैंड करते हो, और जब एक्सपैंड करते हो तो यू कनेक्ट वेल, एंड व्हेन यू कनेक्ट वेल, यू नो, थिंग्स हैपन फॉर यू. जस्टिस बंधा नहीं रहेगा, जब जस्टिस आपसे दूर नहीं भागेगा. आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? सो शी नीड्स टू रियली बिलीव इन हर सेल्फ. स्पेशली अगर आप देखें, ये जो लवर्स का कार्ड है, इसमें बहुत पर्पल के शेड्स हैं. शायद इसका पर्पल के शेड से मैं मतलब समझ रही हूँ, उसका सोल लेसन कुछ होगा कि बिलीविंग इन हर सेल्फ एंड एक्सेप्टिंग हर सेल्फ एग्जैक्टली द वे शी इज. क्योंकि यहाँ पे वो अपने आप को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है, कॉन्फिडेंस भी कम कर रही है, और वो सारी चीजें हो रही हैं. या मे बी शी इज बींग स्टबर्न अबाउट समथिंग, कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही हूं, मैं तो ऐसे ही हूं. तो वो वहां पे भी कभी कभी जिद, हम ना कभी कभी हमारी जो जिद हो जाती है ना हमारे ही लिए, बोलते हैं ना बेड़ियां हो जाती हैं, कि हमारी जो कोई एक लिमिटिंग बिलीव हो गई, मान लो हम किसी लिमिटिंग बिलीफ पे अड़ गए हैं कि यार मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता. हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता. तो ये भी एक तरह का जिद है, एक लिमिटिंग बिलीव वाला जिद है, जिसका हानि आपको ही होगा. जस्टिस नहीं क्रिएट हो पा रहा है, हालांकि ये फ्यूचर में है. शी कैन वर्क ऑन हर लेसन हियर एंड रेज हर वाइब्रेशन, एक्सेप्ट हर फॉर हु शी इज, एंड देन शी विल सी दैट हाउ फ्रॉम दिस हाई वाइब्रेशन शी कैन मेक ग्रेट डिसीजंस विथ हर आईज ओपन, पार्टनरशिप विद द राइट पीपल, सोलफुल रीड पीपल हु आर मैचिंग हर वाइब्रेशन, एंड गेट आउट ऑफ दिस स्टक एनर्जी एंड गेट दिस जस्टिस. ये जस्टिस उसके पास उसके लिए आ रहा है, बट जैसा हम बोलते हैं, यू गेट थिंग्स वेन यू लर्न योर लेसन्स. जब आप वीडियो गेम में आप सारे चीज पार करते हो, तभी आप दूसरे लेवल पे जाते हो, नहीं तो वही वाला लेवल आपको फिर से खेलना पड़ता है. क्यों? क्योंकि आप वो पास नहीं कर पाए हैं. जस्टिस इज फॉर यू, बट हाउ यू प्ले योर कार्ड्स विल, यूनिवर्स विल डिसाइड वेदर यू विल गेट योर जस्टिस और यू विल प्ले द गेम अगेन, सो दैट यू कैन लर्न द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग योर सेल्फ. हर चीज यहाँ पे सोल लेसन ही है. यूनिवर्स डजेंट केयर फॉर योर 3D रिजल्ट. यहाँ पे देखिए मिराकल्स, यहाँ पे है आपका जस्टिस, टू थिंग्स टुगेदर, बट कैन यू? कंसल्ट एन एक्सपर्ट, किसी चीज में उसे एक्सपर्ट को कंसल्ट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि क्वाइट पॉसिबली मुझे लग रहा है कि यस, उसको एक्चुअली ना हीलर मोटिवेटर की जरूरत है. क्यों हीलर एंड मोटिवेटर की जरूरत है? क्यों? क्योंकि हीलर एंड मोटिवेटर आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाएगा. क्यों? क्योंकि इसका कार्ड आया है ना, सरेंडर योर नाइट योर राइट, सरेंडर योर नीड टू बी राइट ऑल द टाइम. यहाँ पे जो ये जिस चीज पे अड़ गई है ना, वो अपने एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ पे अड़ गई है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता. वो अपनी मैजिक को खो रही है. इसीलिए जब हम इतने रिजिड हो जाते हैं, देन यू गो टू अ थेरेपिस्ट, देन थेरेपिस्ट विल कम एंड विल सिट विद यू एंड हेल्प यू ब्रेक द नॉट्स ऑफ द रिजिड कंक्लूजन्स यू हैव मेड अबाउट योर सेल्फ, सो दैट यू कैन ब्रेक फ्री. तो वो बहुत ही ज्यादा रेस्ट नहीं ले रही, खाली अपने दिमाग में है, चिंता कर रही है, अपने आप को बीट अराउंड कर रही है. तो आप जितनी ज्यादा एनर्जी अपनी लो करेंगे गाइज, विथ बाई बाई बीटिंग योर सेल्फ अप, रिमेंबर यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ अ फेवर. तब यूनिवर्स, ऐसा नहीं है कि जब आप अपने आप को कोसते हो, अरे मैं तो ऐसा ही हूँ वैसा हूँ, तो यूनिवर्स को कोई दया आती है. यूनिवर्स इसको ऐसे ही देखता है कि नो, आप अपने सोल को लेसन नहीं सीख रहे हो, इंपॉर्टेंटली आप अपने सोल को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपका ईगो वैल्यू नहीं कर रहा है. क्योंकि ईगो अपने सामने की चीजों को देख के आपको जज कर रहा है. टेक अ एग्जाम्पल ऑफ यू ओनली, आप जो भी हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप अपने आप को कोसना स्टार्ट करते हो. एक्चुअली आप कोस नहीं रहे, आपका ईगो कोस रहा है बाई सीइंग द लाइफ सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू.
ईगो को अटैचमेंट है कि नहीं तुमको सक्सेसफुल ही होना है, तुमको ये हो जाना चाहिए, तुमको अभी ये हो जाना चाहिए. अरे वो ईगो वर्क्स इन अ लिमिटेड पर्सपेक्टिव ऑफ दिस बॉडी. इस बॉडी ईगो स्टेज ओनली इन दिस बॉडी, बियॉन्ड दिस बॉडी ईगो डजेंट एग्जिस्ट. ईगो का अटैचमेंट है कि वो उसको जैसी चीजें इस सोसाइटी ने बनाई है वैसे ही अटैचमेंट्स उसने बांधे हैं और वो उसी के हिसाब से काम करता है. द सोल इज हियर टू लर्न द लेसन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द सिचुएशन इज शोइंग यू इन योर 3D. लव टू रिस्पेक्ट योर सोल, ऑनर योर सेल्फ. और जब आप वो करके अपनी वाइब्रेशन को हाई होता है आपका, तब आप देखोगे कि कैसे गांठें खुलती हैं एंड यू कैन गेट वॉट यू वॉन्ट. ओ माई गॉड, दैट वॉज वेरी टायरिंग. आई होप दैट दिस हेल्प्स यू. सो दिस वॉज द गाइडेंस, एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक द गाइडेंस. इन सारी वीडियोज को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत बोलना पड़ता है. रिस्पेक्ट द एनर्जी गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू अगेन. टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ.